राजा अर्थजर्क्सीस ने देश के प्रांतों और समुद्र के द्वीपों पर कर लगाया। उसके सब महान और प्रतापी कार्यों का विवरण और राजा द्वारा मोर्दकै को प्रदत्त सम्मान और अधिकार का वर्णन मेदिया और फारस के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में किया गया है। राजा अर्थजर्क्सीस के बाद यहूदी मोर्दकै का स्थान दूसरा था। वह यहूदियों में सम्मानित और अपने बहुसंख्यक भाइयों में लोकप्रिय था, क्योंकि वह अपनी जाति के लोगों का उपकारी था और उनकी सुख शांति के लिए प्रयत्नशील था। मोर्दकै ने कहा, यह सब ईश्वर की ओर से ही हुआ है। मोर्दकै को आपने देखा हुआ मोर्दकै को अपना देखा हुआ स्वप्न याद आया, जिसका संबंध इन्हीं घटनाओं से था। उसकी हर बात सच निकली। वह छोटा झरना बड़ी नदी बन गया, फिर प्रकाश, सूर्य और अपार जलधारा। झरना और नदी एस्तेर हैं, जिसके साथ राजा ने विवाह किया और उसे रानी बनाया। वे दोनों पंखदार सर्प मैं और हमान हैं, जो राष्ट्र एकत्र हुए वे हैं जो यहूदियों का नाम मिटाना चाहते थे, जो ईश्वर की दुहाई देते थे। वे थे मेरी जाति इज़राइल। प्रभु ने अपनी प्रजा का उद्धार किया, हमें सब विपत्तियों से मुक्त किया और राष्ट्रों में अपूर्व चिन्ह और चमत्कार दिखाए। उसने दो चिट्ठियों का आदेश दिया, एक ईश्वर की प्रजा के लिए और एक सब अन्य जातियों के लिए। वे दोनों चिट्ठियां उस समय निकाली जिसे ईश्वर ने सब जातियों के विचार का दिन निश्चित किया। ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली और अपनी विरासत को न्याय दिलाया। इज़राइली अदार महीने के 14वें और 15वें दिन एकत्र होकर पीढ़ी दर पीढ़ी उल्लास और आनंद के साथ ईश्वर के सामने उन दिनों का उत्सव मनाएंगे। पतोले में उस और क्लेओपात्रा के राज्य के चौथे वर्ष दोसीते, जो अपने को पुरोहित और लेवी कहता था, और उसका पुत्र पतोले में उस पूरिम संबंधी यह पत्र लेकर आए। उन्होंने इसकी सत्यता प्रमाणित की और इसे यरूशलेम के समुदाय के सदस्य लिसीमक द्वारा अनुदित बतलाया और इसे यरूशलेम के समुदाय के सदस्य लिसीमक द्वारा अनुदित बतलाया।